अवेयरनेस सेमिनार करवाया गया सर। देखो ऐसा हैगा कि दुनिया भर के बच्चे ना सॉरी मैं दोबारा शुरू कर दिया रोटरी क्लब तो शुरू करा सो नमस्कार अज असी रोटरी क्लब अमृतसर वैसट वालों एक पब्लिक अवेयरनेस सैमीनार बच्चों के अस्थमा बारे किया। इसका मकसद ये कि अपना 3 तरीक न अस्थमा जिहड़ा वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता दुनिया भर के तो असी बच्चों के जिहड़ा अस्थमा है तो सारिया एलर्जी हौली हौली वधदियां जा रही हैं ध्यान च रखते हुए ये बारे असी पब्लिक नू जिहड़ी नॉलेज जिहड़ी है बनाउण वास्ते इस सैमीनार का आयोजन किया। तुसीं सुन के हैरान होवोगे कि अपने भारतवर्ष दे विच तकरीबन 3 तो 4 करोड़ बच्चे ने जिहड़े वो अस्थमा का शिकार और अस्थमा जिहड़ा है हर एक एज ग्रुप दे विच हो रहा है। ईवन 5 साल तो छोटे बच्चों के भी जिहड़ा ना अस्थमा के लक्षण पाए जाते हैं। बच्चे जिन्हों बहुत ज़्यादा खांसी रहती है जुकाम जड़ा होया तो छाती एकदम ब्लॉक हो गई ठीक नहीं हो रही या जड़ा बच्चा उन्हें भजदे नठदे उन्हें सह तेज हो जाता है उन्हें साइकिल चलाते पौड़ियाँ चढ़ते खांसी आने लग जाती है कोई भी उन्हें ठंडी चीज़ खाधी खांसी आ गई कोई हवा पै गई ठंडी या कोई मिट्टी कट्टे तो खांसी आ गई। सो यह जड़िया चीज़ा ने यह इरीटेट कर दया ने सह दिया नाड़ियों लेकिन एलर्जी जी कारण है वह कोई होर हों और एलर्जी करन पैदा करने वाले जोड़े कन्न ने वो असं अक्सर देखते हैं हाउस डस्ट माइट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिड़ी कि एलर्जी बड़ी कॉमन है और असं देखते हैं कि जोड़े बच्चे सॉफ्ट टॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के टैडी बियर या कोई होर इस तरह के इस्तेमाल करते हैं या जिहड़े घर कोई स्मोकिंग कर रहा है फादर साहब जिहड़े सिगरेट पी रहे हैं या जिहड़े घर असी अगरबत्ती ते धूप जगाने इस तरह के बहुत केस साढ़े सामने आते हैं जिन्हां दे विच बच्चों की छाती जिहड़ी है ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है और अजकल तो तुसीं देख रहे हो जिस तरह वाढ़ियां दा सीजन है उस तों बाद जिहड़ी अपनी फसलों की जिहड़ी कटाई होंदी है उस तों बाद जलांदे रहिंदे ने तूड़ी उहदे नाल भी जिहड़ा धुआं पैदा हुंदा है लोगों नूं बच्चों नूं सारिआं नूं बहुत ज़्यादा तकलीफ हुंदी है। तो असी जिहड़े बच्चे इस बीमारी के शिकार हुंदे ने उहनां दे विच इक ते जिहड़ा इलाज है इनहेलर नाल कीता जांदा है जिहनूं आपां पंप भी कहिंदे आ जिहड़े पंप ने वो एक बहुत ही कारगर जड़ा एक तरीका है इहदे इलाज करन दा। ते वो पंप किस तरह ने मैं तुहानू एक बार दिखाना चाहवागा 2 मिनट वेट करो तुहानू जरूर दिखानी चाहवागा। देखो यह जिहड़ी पाइप है यह नॉर्मल पाइप है मतलब कहन दा जिहदी जिहदी साह दी नाली बिल्कुल ठीक है वह इस तरह की होगी जिहदे विच एलर्जी चल रही है वो जी साह की नाड़ी है वो थोड़ी सुंगड़नी शुरू हो जाएगी ये मुकाबले देख रहे आप जी साह की नाड़ी है यह सुंगड़ गई है ठीक है और जिसले अस्थमा का अटैक हो जाता है किसी भी वो साह की नाड़ी इस तरह हो जाती बिल्कुल टाइट दिख रही है। सो साह की नाड़ी जो बिल्कुल टाइट हो जाती है जो किसी को अटैक हो गया तो साह ही नहीं निकलता। सो जिहड़े बच्चे या कोई भी मरीज अस्थमा का शिकार होंदे ने उन्हां दे साह की नाड़ी जिहड़ी है उहदे च सूजन पैदा होंदी रहिंदी है लालगी आनी शुरू हो जाती जिस तरह आपां इहदे च देख रहे हैं और जदों असीं इस चीज़ नूं पेशेंट नूं आराम देना चाहते हैं उहदे लई साडे कोल जिहड़ा इन करदा इनहेलर की चीज़ है जिन्हों आम तौर पर लोग पंप कहें इनहेलर हूँ यह जोड़ा अस्थमा के मरीज ने खासकर जोड़े बच्चे ने उन्होंने असं जो इनहेलर दें वो यह सिस्टम के नाल दें इनहेलर है इनू स्पेसर कहने इनू मास्क कहने
सो जिहड़ा छोटा बच्चा है उहदे विच असीं इहनू शेक करके इहदे पिछे लगाने हैं, इहनू प्रेस करदे हैं, इस तरह शेक करदे हैं और जिहड़ा मरीज है वो इस तरह करके साह लैंदा आराम नाल बच्चा। और जिहड़ी दवाई है उहदी सीधी फेफड़ियां च पहुँचती है और जल्दी असर करती है। और यह देखा गया कि जिहड़े लोकी ने वो आम तौर पर इस दे जिहड़ा वर्तन तो परहेज करते हैं, लेकिन असीं यह दसना चाहते हैं कि इनहेलर तो डरन की कोई लोड़ नहीं होंगी, क्योंकि ये जी दवाई है वह माइक्रोग्रामा होंगी है, मिलीग्रामा च नहीं होंगी, माइक्रोग्रामा होंगी। बहुत घट दवाई जी है वो असर इस करके अच्छा करती है क्योंकि वह सीधी फेफड़े पहुँचती है। जिदा कि असी देखते हैं जे किसी के अखा च एलर्जी हो गई तो आप ड्रॉप्स पाने, जे किसी के चमड़ी पर एलर्जी हो गई तो आप ट्यूब मल लें, क्रीम लगा लें। इस तरह ही डॉक्टर ने साइंसदाना ने यदा इजाद किया कि जोड़ा इनहेलर है उन्होंने दिता जाए ता कि यदि दवाई सीधी जी फेफड़े पहुँचे, जल्दी असर करे और मरीज़ को आप साइड इफेक्ट्स तो बचा सकी। सो ये सब तो वड्डी जी काढ़ है पिछली सेंचुरी की यही सी कि आम तौर पर पहला जो इनहेलर नहीं सी बने लोग दमे का शिकार हो जाते सी, तो उन्होंने लेट इनहेलर मिलते सी, इस करके वो सारी उम्र उत्ते लगे रहते। लेकिन जे असी टाइम सिर जल्दी इनहेलर शुरू कर लीए तो बीमारी नू आपां रोक सकते हैं और जिहड़ा मरीज़ है उन्हों आराम भी दे सकते हैं और दवाइयों के साइड इफेक्ट तो भी बच सकते हैं। ठीक है।